तरफ कोरोना वायरस का कहर चीन में तो देखा ही जा रहा है, लेकिन अब उसी के साथ कोरोना वायरस का कहर भारत में भी देखा जा रहा है, क्योंकि केरल में एक और कोरोना वायरस का मामला सामने आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, इससे पहले भी जो पहला मामला आया था वो केरल से ही सामने आया था, जिस मरीज के शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं, बताया जा रहा है कि वो मरीज लगातार चीन से उसका आना जाना लगा रहता था। हालांकि उस मरीज को अलग वार्ड में रखा गया है और उसकी हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। इधर चीन से भारतीय लोगों को लेकर आज सुबह दूसरा विमान भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। विमान में 323 लोगों को भारत लाया गया है। इससे पहले कल 324 लोगों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुँचा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान में सवार यात्रियों की अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। यहीं आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही मालदीव के भी कुछ लोगों को इसी विमान से लाया गया है। दरअसल आपको बता दें, वुहान ही वो जगह है जहां से कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला है और अब तक इस वायरस से 811 लोगों की जान जा चुकी है और 37,000 लोग इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। 17 से भी ज्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आर्थिक रिपोर्ट।